शिक्षा हमें अधिकार सिखा रही है लेकिन संस्कार नहीं सिखा रही है। हमको भगवान ने दोनों चीजें दी है, शरीर भी दिया है और आत्मा दी है। आत्मा का भी पोषण जरूरी है और शरीर का पोषण भी जरूरी है। जो हम आधुनिक ज्ञान अपने स्कूल में जाकर के प्राप्त कर रहे हैं वो सारा ज्ञान जो है हमको बाह्य जगत से जोड़ता है, और जो संस्कारों का ज्ञान स्वाध्याय ध्यान समाधि योग ये अंतर जगत की यात्रा से जोड़ता है। कहते भगवान तो कड़कड़ में है, तो फिर मंदिर क्यों हमें जाना चाहिए? प्रेशर से यदि भगवान की अनुभूति करनी है तो उसके लिए एक स्थान है जहाँ दिव्य ऊर्जा का सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, और एक कुंज दिव्य ऊर्जा का वहाँ विराजित होता है, केवल मंदिर है। बहुत सारी प्रथाएं महाराज जी ऐसी है जो हम लोग बस निभाते चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता है उसके पीछे का क्या महत्व है। सबका साहित्यिक उद्देश्य भी है, सबका एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी है, सबके पीछे एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी है। कारण कई सारे हैं। नवरात्रि के समय में यदि हम साधना करते हैं, जमीन पर सोते हैं, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलते, मौन रहते हैं, तो अपने आप वो उस ऊर्जा का संचार होता है और अंदर छिपी हुई शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। 9 दिन माता का पंडाल लगता है, हम देवी मान के उनकी पूजा करते हैं, और उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम देखते हैं कि आज इतने केस हमें सुनने को मिल रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं, ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। लेकिन यहाँ स्कूली ज्ञान की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की। वो आत्मज्ञान जो हमें स्वाध्याय के माध्यम से मिलता है, वेदों के स्वाध्याय से, शास्त्रों के स्वाध्याय से। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में आप तक इन्हीं वेदों शास्त्रों का ज्ञान पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रद्धे श्री नवनीत प्रिय दास जी महाराज। महाराज जी पूर्व में प्रोफेसर रह चुके हैं, MBA के साथ साथ कई विषयों का अध्ययन उन्होंने किया है और साथ ही कई बच्चों को इस विषय के बारे में पढ़ाया भी है। साथ ही महाराज जी को कई भाषाओं का ज्ञान भी है। इसी ज्ञान के साथ साथ वेदों शास्त्रों के ज्ञान को भी वह संस्कार उत्पन्न केंद्र के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। महाराज जी के कई विद्यालय भी हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महाराज जी। जैसे कि आप संस्कार उपवन केंद्र के माध्यम से बच्चों को संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगी कि आज के समय में हम शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन हम इन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी ये सब तो पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे जो वेद शास्त्र का ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, तो हम अपनी जो पौराणिक चीज़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो महाराज जी, कितना ज़रूरी है जैसे शिक्षा जो है हमें, आपके ही मैंने YouTube चैनल पर देखा कि आपने एक बड़ा सा थंबनेल लगा जिसमें लिखा था कि शिक्षा हमें अधिकार सिखा रही है लेकिन संस्कार नहीं सिखा रही है। तो महाराज जी, इसी विषय पर चाहूँगी कि आप बताएं हमें कि कैसे हम उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करें। नम्रता जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी बात अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। शुरुआत आपने बहुत अच्छे विषय से की है, और मूल में वस्तु की प्रधानता न लेते हुए वस्तु के मूल तत्व की प्रधानता आपने ली है। जैसे एक फूल है, देखने में अच्छा लगता है लेकिन विशेष रूप से उसकी सुगंध के कारण वह सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन जब तक उनमें संस्कारों की सुगंध नहीं है वह दूसरों के चहेते नहीं बन सकते। आज युवा पीढ़ी में बहुत सारे ऐसे युवाजन हैं जो शिक्षित तो हैं पर संस्कारों की किंचित कमी है, और यही कारण है कि कभी कभी आज का बच्चा अपने माता पिता से इस बात के लिए झगड़ता है कि पिताजी, आपकी प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है और मैं उसको लेकर के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है वो बच्चा नहीं जानता। माने आज की शिक्षा अधिकार सिखा पा रही है पर बच्चे का कर्तव्य क्या है वह नहीं सिखा पा रही। आपने बहुत अच्छे से विषय को उठाया और मैं इस विषय पर आपको मूल में एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोग भारतवर्षीय लोग हैं, यहाँ पर शिक्षा का क्रम अन्य देशों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल लोक की शिक्षा नहीं दी गई, लोक की तो दी गई पर लोक की शिक्षा भी यहाँ की शिक्षा में निहित थी।
आज के समय में भले ही लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के अनुसार हम सब लोग पढ़ रहे हैं, और मैं तो सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम आप सबके बच्चे जितने भी हैं वो सबके सब लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं, और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति केवल शिक्षा तक यानी कि बाह्य जगत तक सीमित है। अंतर जगत की यात्रा करने का तो वहाँ कोई भी विषय है ही नहीं। तो जब तक अंतर जगत की व्यक्ति को यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उसके जीवन में प्रेम, उल्लास, आनंद ये सब प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक वह अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाने की जो शिक्षा है वो उसी को परलोक की शिक्षा कहते हैं, उसी को हम लोग आज की भाषा में संस्कारों की शिक्षा कहते हैं। तो जो हम आधुनिक ज्ञान अपने स्कूल में जाकर के प्राप्त कर रहे हैं वो सारा ज्ञान जो है हमको बाह्य जगत से जोड़ता है, और जो संस्कारों का ज्ञान स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, योग ये अंतर जगत की यात्रा से जोड़ता है। और मैं समझता हूँ हमको भगवान ने दोनों चीज़ें दी हैं, शरीर भी दिया है और आत्मा दी है। आत्मा का भी पोषण जरूरी है और शरीर का पोषण भी जरूरी है। शरीर का पोषण तो हो जाता है भोजन से, लेकिन भजन, ध्यान, धारणा, समाधि इन सब से आत्मा का पोषण होता है। तो हम लोग जो मूल में कार्य कर रहे हैं वो इसी विषय को लेकर के कर रहे हैं कि बच्चों को केवल आधा अधूरा ज्ञान ना दिया जाए जिससे वह समाज के संतुलन में नुकसानदायक बने। हम तो उनको वह ज्ञान देना चाहते हैं कि जिससे उनके जीवन का संतुलन बन जाए, और ऐसा संतुलन उनके जीवन में बने कि ऐसा समूह बने, अच्छे समाज का, संतुलित समाज का निर्माण हो और हमारा देश उन्नत हो, उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो, और सारे के सारे पुनः इसको विश्वगुरु कहने लग जाएं। तो इसलिए मैं शिक्षा के साथ संस्कारों पर कार्य कर रहा हूँ, और यही मेरा मूल विषय है कि बच्चों में संस्कार आए। एक बात और इसमें मुझे याद आ गई कि संस्कारों की शिक्षा यदि बच्चा ले लेता है तो वह कम से कम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से बचता है, वह ड्रग के एडिक्शन से बचता है, वह अपने माता पिताओं को संवेदनहीन होकर के घर से कम बाहर नहीं निकालता। तो आज के समय में मैं जिस विषय पर कार्य कर रहा हूँ, संस्कारों का विषय, वो बहुत आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि आप सबको ये समझना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा तो दें पर उससे अधिक संस्कारों पर भी ध्यान दें। जी, तो महाराज जी अभी जैसे आप बोल रहे हैं संस्कारों पर ध्यान, तो कैसे उन्हें संस्कारों से जोड़ा जाए? फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो हमारे युवा है कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि शिक्षा मिल जाती है तो अधिकार जताना तो सीख गए वो, अब शिक्षा मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकार और ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, लालच आ रहा है, लोभ आ रहा है, और जो अनपढ़ है वो उनको अपने से छोटा मानने लगते हैं। जी, तो महाराज जी यहाँ कैसे हम सोच में परिवर्तन लाएं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और मैं समाधान के तौर पर ही, क्योंकि व्यासपीठ जो होती है वो सदैव समाधान के लिए ही होती है, समस्याओं का समाधान, निराकरण व्यासपीठ से प्राप्त होता है। हमने अपने गुरुजनों से जो सीखा समझा हम आपको निवेदित कर रहे हैं। देखिए, जितने भी आजकल युवा पीढ़ी के बालक हैं उनको आप शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जो समय आप अपने बालकों के लिए डांस सिखाने के लिए तत्परता के साथ जुट जाते हैं, जहाँ बच्चा जाना चाहे दस किलोमीटर दूर होते हैं कोरियोग्राफर, उनके पास जाकर के बच्चों को छोड़ना फिर लाना, बच्चा जूडो कराटे सीखना चाहता है तो उनको वह सिखाया जाता है, बच्चा और कोई भी एक्टिविटी चाहता है उसको हम लोग बड़े तन्मयता के साथ प्रदान करते हैं। लेकिन जितनी तन्मयता के साथ हम लोग बच्चों को जूडो कराटे, डांस, अन्य अन्य एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, ऐसे ही यदि थोड़ा समय संस्कारों के सृजन के लिए दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जीवन के किसी भी मोड़ पर परेशानी में खड़ा हो जाए तो वह परेशानी की स्थिति में डगमगाएगा नहीं, स्थिर रहेगा, अच्छे निर्णय लेगा। अब वो कैसे होगा? पहला काम, एक तो अपने बालकों को उत्कृष्ट संग दिया जाए। अपनी आँखों के आगे दो प्रकार की वस्तुओं को हम लोग रख सकते हैं, एक उत्कृष्ट को और एक निकृष्ट को। उत्कृष्ट को देखेंगे तो उत्कृष्ट बनेंगे, निकृष्ट को देखेंगे तो निकृष्ट बनेंगे। अपने बालकों के सामने अच्छी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। और मैं एक बात आपको विशेष बता दूं नम्रता जी, कि आज के समय में बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। सबसे पहले संस्कारवान माता पिता को बनना पड़ेगा, तब जाकर के वह संस्कारों की शिक्षा बच्चों को देंगे। आज जो माता पिता को निकाल करके वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, जो आज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से अपने माता पिता की गलतियों का दोष या जो उनके दोषों का दंड उनको दे रहा है। मेरी बात अब समझ पा रही है ना? तो बालकों को
माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को अच्छी संगति में ले जाएं। दूसरी बात, स्वयं संस्कारवान बने, ऊंची सोच की बात उनको बताएं। पर वो कैसे बता पाएंगे? जब वह अच्छे चरित्रों को खुद पढ़ेंगे, उसके बाद उन चरित्रों को बच्चों को समझाएंगे, तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कारों का सृजन होगा। और मैं समझता हूँ कि छोटी सी घटना भी बच्चे को बहुत बड़ी प्रेरणा दे देती है और वह बच्चा सामान्य सोच से बहुत ऊपर उठ जाता है। अब आजकल माता पिता तो ऐसे हैं कि कह देते हैं कि नहीं नहीं, कोई तुझसे कुछ कहे तो छोड़ना मत, हम पीछे से खड़े हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। किसी से बदला लेना ये तो सामान्य सोच है, पर किसी को बदल देना ये बड़ी सोच है। तो वो कैसे होगा? ऐसे सुंदर चरित्रों को बच्चों को सुनाया जाना चाहिए। अच्छे संस्कारों के लिए अच्छी संगति का निर्णय माता पिता को करके बच्चे को वह प्रदान करना चाहिए। अच्छा भोजन, शाकाहारी भोजन बच्चों को कराना चाहिए, जिससे उनका मन मस्तिष्क ठीक रहे। पुरानी कहावत सुनी है ना आपने कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो बढ़िया सात्विकी भोजन बच्चों को कराना चाहिए। समय समय पर उनको मंदिर लेकर के जाना चाहिए, समय समय पर उनको स्वाध्याय कराना चाहिए, समय समय पर उनको अच्छी संगत, संतों की संगत में ले जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर भी जाएं तो संतों के चरणों में बैठें, वह तीर्थ की महिमा समझें, ना कि उसको टूरिस्ट प्लेस बनाएं। आजकल बहुत सारे लोग एक क्राउड में, एक भीड़ में जाते हैं, पर वो टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं, उसकी दिव्य महिमा को नहीं जानते। संतों के चरणों में नहीं बैठेंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि बच्चों में संस्कारों की का कार्य अगर आपको करना है, तो पहले माता पिता को संस्कारी होना पड़ेगा और फिर उसके बाद में बच्चों के आगे वो उत्कृष्ट चीज़ें रखनी होंगी, जिससे उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट बने। जी, तो यानी कि पहले माता पिता को ये जो कथा सत्संग है इसमें जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, स्वयं जो हमारे वेद शास्त्र है उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी वो आगे बच्चों को ये शिक्षा दे पाएंगे। जी जी, तो महाराज जी अभी आपने बोला था कि मंदिर जाना चाहिए, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कहते हैं भगवान तो कड़ कड़ में है, तो फिर मंदिर क्यों हमें जाना चाहिए? जी, बहुत सुंदर। देखिए, जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया, एक बार किसी एक व्यक्ति ने एक संत से पूछ लिया कि महाराज जी, जब कण कण में भगवान व्याप्त हैं तो हमको मंदिर जाने की जरूरत क्या है, हम तो हर जगह भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो महाराज जी ने उनको उनके उत्तर में कहा, बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा, क्यों भैया, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में वाहन क्या है? तो कहा, महाराज जी मेरे पास स्कूटी है। अच्छा, बोले बेटा, जब स्कूटी में हवा कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हो? तो उसने प्रेम से उत्तर दिया, प्रेशर पर जाता हूँ और हवा भरवाता हूँ। अरे बोले, प्रेशर पर जाने की ज़रूरत क्या है? जब सारे संसार में हवा चल रही है, हर जगह हवा व्याप्त है, तो उस हवा का ही प्रयोग करो और अपनी स्कूटी में भर लो। तो हंस करके कहने लगा, महाराज जी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है? अरे नहीं नहीं, हवा चारों तरफ है लेकिन फिर भी प्रेशर से ही भरी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर से यदि भगवान की अनुभूति करनी है तो उसके लिए एक स्थान है जहाँ दिव्य ऊर्जा का सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, और एक पुंज दिव्य ऊर्जा का वहाँ विराजित होता है, वो केवल मंदिर है। भगवान भले ही कण कण में व्याप्त हैं, हवा चारों तरफ चल रही है, लेकिन स्कूटी के टायर में भरवाना होगा तो प्रेशर से ही भरेगी। ऐसे ही भगवान की अनुभूति हमको दिव्य भाव में करनी है तो मंदिर जाना आवश्यक है। और देखिए, एक बात और है, मंदिर में गुरुजनों का संग मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है, तो उनको देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी उपासना में थोड़ी कमी चल रही है, देखो हमसे श्रेष्ठ उपासना ये कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनसे संतुलन की स्थिति में आते हैं तो लगता है कि हाँ, हमको ऊपर की ओर उठना चाहिए, देख करके प्रेरणा मिलती है। फिर वहाँ पर संतों का संग मिलता है, वहाँ पर कुछ ऐसी वाणी ग्रंथ, कुछ ऐसे वाक्य लिखे होते हैं जिन वाक्यों को पढ़कर की प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि सभी को संगठित होने का आज जो वर्तमान में आवश्यकता है, उसका भी एक केंद्र मंदिर है। तो मंदिर सभी को जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और मंदिर में जो कार्य होते हैं, माथे पर चंदन लगाना और पूजा इत्यादि करना, आरती इत्यादि करना, साधना करना, बैठ करके ध्यान करना, ये सब बच्चों को करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो महाराज जी, अभी आपने फिर से तिलक की बात करी, चंदन लगाते हैं माथे पर, तो कुछ बहुत सारी प्रथाएं महाराज जी ऐसी है जो हम लोग बस निभाते चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता है उसके पीछे का क्या महत्व है। तो यहाँ मैं जो तिलक के पीछे का वैज्ञानिक कारण है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। हाँ नम्रता जी, बहुत अच्छी बात पूछी। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिनको हम लोगों ने बता दिया वो तो उसका पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो माथे पर चंदन तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते। मैं आपको संक्षेप में उसकी महिमा बता देता हूँ। देखिए, ये जो तिलक है ना, ये भगवान के चरण हैं,
और हम लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, उनके चरण यदि हम माथे पर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात, एक हस्ताक्षर केवल गवर्नर का एक कागज के टुकड़े को नोट में बदल देता है। एक हस्ताक्षर की महिमा है कि साइन होने के बाद एक कागज का टुकड़ा नोट बन जाता है। तो ऐसे ही यदि हम माथे पर भगवान के हस्ताक्षर रूपी चरणों को विराजित कर लेते हैं तो उसके बाद में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से हमको देखते हैं, शुक्र शनिवार ये हमारे ऊपर हावी होते हैं, एकदम सब स्थिर हो जाते हैं। अरे बोले भाई, भगवान के चरण आ गए, हस्ताक्षर हो गए, यानी कि ये उनका जन है, इसलिए भी हम लोगों को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब माथे पर ये केंद्र बिंदु है, यहाँ सारे ध्यान का केंद्र यहीं से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर यदि शीतलता रहती है तो ध्यान लगाने में आसानी रहती है। सभी को माथे पर चंदन लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के तिलकों की प्रधानता है। सभी अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने जो धर्म है उनके आचरण के अनुसार तिलक लगाते हैं। अब देखिए, तिलक में भी एक बढ़िया संदेश मिला हुआ है हमको। कुछ पढ़ाया जाता है, अरे शैव और वैष्णवों में झगड़ा हुआ, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पुराना जो इतिहास है वो बहुत सही इतिहास है, लेकिन कुछ वामपंथी लोगों ने उसमें मिलावट कर दी और ये उल्टी सीधी बातें प्रस्तुत कर दी। अब आप खुद ही साइंटिफिक वे में समझिए, जो भगवान राम तिलक लगाते हैं वो ऐसा है लंबा जैसे त्रिशूल, तीन उसमें धारियां हैं, आप लोग आपने सबने देखा होगा, तीन धारियां। मैं श्रोताओं का भी ध्यान चाहूँगा कि तीन धारियां हैं, वो त्रिशूल के आकार में है, यानी कि इसका अर्थ है कि भगवान शंकर का जो आयुध है, जो अस्त्र है, उसको आदर के भाव से भगवान राम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और आप देखिए, भगवान शंकर त्रिपुंड धारण करते हैं, वो त्रिपुंड का आकार धनुष के जैसा है, धनुष भगवान राम धारण करते हैं। तो जब इन दोनों का इतना प्रेम है आपस में, तो शैव और वैष्णव कहाँ से झगड़ सकते हैं, कहाँ से ये बातें नई नई पैदा हो जाती हैं। तो एक जो माथे का तिलक है ना, ये भी एक संदेश देता है कि भाई हम लोग आपस में सब एक हैं। और देखिए, तिलक की अलग अलग महिमा है। माथे पर जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो आपने देखा होगा, गौड़ीय वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु जी को मानते हैं, वो ऐसा लगाते हैं कि नीचे एक नुकीला सा नाक तक लगाया जाता है तिलक। तो नुकीला वो जो क्या है, इनको कहते हैं कि बोले ये भगवान कृष्ण के चरणारविंद हैं, और जो नुकीला नीचे तक आता है वो तुलसी का पत्ता है, भगवान के चरणों में लगा हुआ तुलसी का पत्ता नाक तक। हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में जैसे मैंने तिलक लगाया, तो हम लोगों में ऐसी मान्यता है कि ये अष्ट सखियों का समूह खड़ा हुआ है और बीच में सर्वेश्वर भगवान काले रंग की बिंदी में विराजमान है, दोनों युगल राधा कृष्ण विराजित हैं। और जब हम लोग यहाँ पर भी तिलक लगा लेते हैं ना, तो ये तिलक एक निधिवन राज की या वृंदावन की रूप संरचना का विस्तार करता है। माने ये जो है, मानो सारा वृंदावन है और बीच में सखियाँ खड़ी हैं और हम लोग श्री युगल का ध्यान कर रहे हैं। रामानंदी संतों में भी तिलक लगाया जाता है, तो दोनों ओर पीला, बीच में लाल और नीचे नाक तक लगाते हैं। तो उन्होंने विचार किया हुआ, बोले ये राम जी खड़े हैं, ये लखनलाल जी खड़े हैं, बीच में जानकी जी लाल रंग में खड़ी हैं, और ये जो नीचे नाक तक लगाया, ये नीचे कौन है, ये हनुमान जी विराजमान है। ऐसी भी भावना है, कितनी पवित्र भावना है। और एक बात और यहाँ पर है, हमारे यहाँ नाक तक तिलक लगाने की परंपरा क्यों है, जबकि ये तो तिलक यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन नाक तक हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं? इसके पीछे मुगल काल का इतिहास छिपा हुआ है। मुगल काल में ऐसे ऐसे दुष्ट कुछ मुस्लिम होते थे जो जानबूझ करके भारतवर्षी खासकर सनातन धर्मियों को परेशान करने के लिए उनके जिस जीव से मांस को खाते थे उस जीव से उस तिलक को चाट जाते थे। तो तब संतों के प्रति, सब संतों के आगे सब कहा गया, महाराज हमारे तिलक को चाट करके और ये हमको कष्ट देते हैं, हमारे तिलक का अनादर करते हैं। तब संतों ने आज्ञा करी, ठीक है, अब से तिलक यहाँ से नहीं लगेगा, अब से नाक से लगेगा। कबीरदास जी महाराज ने सबसे पहले इसी प्रथा को प्रारंभ किया, वहाँ के एक लंबी धारी सफ़ेद रंग की, ये कबीर पंथी जनों में तिलक की परंपरा है। तो यहाँ से तिलक लगाना शुरू किया, बोले अब चाटो हमारी नाक को। तो तब से वो चाटना बंद हुआ, यानी कि तब से प्रारंभ हो गया कि नाक से तिलक लगाने की परंपरा हो गई, जबकि तिलक तो यहाँ से। और
अंत में एक बात और आपको कहूँगा कि तिलक में एक विशेष बात और है। हम जैसे वैष्णवीय जगत के जनों के लिए तिलक सबसे अधिक श्रेष्ठ और मान्यता प्रधान है, जो हमारे कल्याण का सबसे बड़ा सूचक है। हमारे यहाँ संत जन गुरुजन कहते हैं कि भाई मृत्यु के समय में एक समय को गले में कफ अटक जाए और अंत में राम का नाम ना निकले तो कल्याण कैसे होगा। तो बोले केवल माथे का तिलक भी अगर होगा ना तो भी यमदूत हमको नहीं पकड़ेंगे, वैष्णवीय पार्षद भगवान विष्णु के पार्षद आकर के हमको स्वीकार करेंगे। तो गला बंद हो जाए, आंख से दिखना बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, कर केवल माथे पर लगा हुआ तिलक भी हमारे कल्याण का कारक बन सकता है। तो ये तिलक की महिमा है। इसके अलावा भी बहुत तिलक की महिमा है, लेकिन समय कम है तो उसके अनुसार मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई। महाराज जी, थोड़ी सी बात में ही बहुत सारी नई बातें पता चली है, क्योंकि इतने विस्तार से कोई तिलक की महिमा को नहीं जानता होगा कि हर तिलक के पीछे का क्या महत्व है। जी, तो महाराज जी आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे अभी आपने बात की थी अपराध को लेकर, तो यहाँ अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में देवी का हम 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन अलग अलग स्वरूप में माँ को हम पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, लेकिन फिर उन्हीं देवियों के साथ साल भर अपराध होता है। या अगर हम नवरात्रों की ही बात ना करें, हम आम तौर पर भी देखें सुबह में लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर वही लोग अपने जीवन में अपराध भी करते हैं। तो ये पूजा पाठ, महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि आदत बन गई है कि पूजा पाठ करना है, लेकिन पूजा पाठ हमें क्यों करना है इसके पीछे का कारण कोई नहीं समझना चाहता। करते आ रहे हैं जो पूर्वज है हमारे पूजा पाठ, तो हम भी आगे पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में हम उस चीज़ को धारण नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बोला कि अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं, 9 दिन माता का पंडाल लगता है, हम देवी मान के उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम देखते हैं कि आज इतने केस हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो महाराज जी, यहाँ कैसे बदला जाए, सोच को कैसे बदला जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी नम्रता जी, बहुत बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। नवरात्रि का समय चल रहा है, मैं सभी 9 देवियों को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का उत्तर दूंगा कि हम लोग परंपरागत तरीके से अपने यहाँ पर त्योहारों को मनाते आ रहे हैं पर उनका लॉजिक नहीं जानते। मैं आपको बता दूं कि सबका साहित्यिक उद्देश्य भी है, सबका एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी है, सबके पीछे एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी है। कारण कई सारे हैं पर मैं तो बस पुनः वही बात कहूँगा कि यदि शिक्षा में ये सब चीज़ें शामिल हो जाए ना तो ये बच्चों को लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने बिल्कुल नाश करके रख दिया। यदि शुरुआत में ही शिक्षा में ये सब बातें समझा दी जाएँ तो सारी चीज़ें साइंटिफिकली हम लोग समझ करके और पूरा लाभ अपने त्योहारों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से ले सकते हैं। एक बात यहाँ पर और आपने कही थी कि जब हम 9 दिन तक कन्याओं का पूजन करते हैं और बाद में रेप इत्यादि हो जाता है, उनका शोषण होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं। एक तो आपने कहा था कि बिना जाने हुए लोग परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आए तो हमने भी किया। मैं आप लोगों को कारण बता देता हूं। हमारे यहाँ नवरात्रि में जब पूर्णता होती है व्रत की तो 9 दिन के बाद 9 कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। 9 कन्याएं, कन्या का मतलब वो ऐसी बच्चियाँ जो भी मासिक धर्म के प्रभाव से ग्रसित नहीं हुई हैं, उनको कन्या माना जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है, विकार से रहित देवियां होती हैं, तो वह देवियां पूजा की योग्य होती हैं। 9 कन्याओं को घर में बुलाया जाता है पर उसमें यह नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण की बच्ची है, कि ये वैश्य की है, कि ये क्षत्रिय की है, कि ये शूद्र की है, ऐसा नहीं देखा जाता। उसमें तो गली मोहल्ले की जितनी भी बेटियाँ आ जाएँ छोटी छोटी, उन सबको आदर दिया जाता है। इससे एक संदेश मिलता है आपसी समरसता का। हमारे यहाँ कोई ऊँचा नीचा नहीं है, हमारे यहाँ पर सब धर्मों की सेवा, सर्वधर्मों का सम्मान होता है, सब जातियों का सम्मान होता है। किसी ब्राह्मण के यहाँ पर वे हर वर्ण की कन्या आती है और वे उसके पाँव भी धोते हैं, वे उसको भोजन कराते हैं, गले में लाल रंग की चुनरी डालते हैं, कुछ ना कुछ उसको दक्षिणा के रूप में देते हैं और देवी का स्वरूप पूजा करके अपने आप को ऊर्जावान मानते हैं कि देवी की साक्षात कृपा मेरे ऊपर हो गई। तो हम लोग जो कन्या पूजन करते हैं वो कन्याओं का पूजन देवी का रूप प्रतिष्ठित कन्या में होता है, इसलिए करते हैं और सारे जातियों में समरसता बनी रहे, आपस में संतुलन समाज में बना रहे, इसलिए भी सभी घरों की कन्याओं का वहाँ आदर किया जाता है, बुलाया जाता है। अब रही बात रेप की कि आखिर में फिर भी कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे सारा देश शर्मसार हो जाता है, तो मैं फिर उसके लिए कहूँगा नम्रता जी कि आज के समय में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा को पढ़ाना परम आवश्यक है।
यदि वैदिक शिक्षा उसको पढ़ाई जाएगी तो एक भय उसके मन में होगा कि हम ये काम करेंगे तो इसका दंड हमको जरूर मिलेगा। और जब वो दंड का डर उसको होगा, अपनी मृत्यु से उसको परिचित कराया जाता है कि मृत्यु अनिवार्य है, तुझे मरना है और अपने जीवन काल में जो कुछ करना है वो ऐसे करना है कि दूसरों के लिए आदर्श बनो, ना कि दूसरे तुमको उठा करके जेल में डालने और सारा समाज तुमसे डरे, ऐसा नहीं बनना। तो ये वैदिक शिक्षा के द्वारा हो सकता है। मैं पुनः वही बात कहूँगा, आज के समय में होते हुए बड़ी बड़ी घटनाएँ ये केवल इस कारण से कि बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, और वो भी आधुनिक शिक्षा, वो भी बाह्य जगत की शिक्षा, जिसमें केवल हमारे महाराज जी, हमारे गुरुजन एक बात कहते हैं, आजकल जो शिक्षा दी जा रही है ना वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता के गुरुकुल में दी जाती थी। वहाँ पर कौन सी शिक्षा थी? अर्थ प्रधान और काम प्रधान। केवल अर्थ की बात हो और अपनी कामना, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। आज के समय में वही शिक्षा जो वहाँ दी जाती थी वो आज के समय में दी जा रही है। यही कारण है बच्चों का पतन हो रहा है। यही कारण है कि जितनी भी लड़कियां हैं, बहन हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनके साथ दोहरा चरित्र प्रयोग कर रहा है। मुख पर तो बहन कहता है, पीछे से उसके प्रति दुर्भावना रखता है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने वैदिक शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। संस्कारों की, धर्म ग्रंथों का हम लोग उपहास करने लगे, संतों का उपहास करने लगे, और वह मूल चीज़ हम लोगों ने स्वीकार नहीं की। इस कारण से ये समस्या बनी। तो इस समस्या का जो निराकरण है उसके लिए हम सबको, अगर जब तक हम किसी लड़की में देवी का भाव प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक फिर उसको भोग की वस्तु मानते रहेंगे। महाराज जी, आप यहाँ जो बात कर रहे हैं कि वैदिक शिक्षा से हमें जुड़ना चाहिए, मैं यहाँ पे स्त्रियों के बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि स्त्रियों को कितनी जरूरत है जागरूक होने की, क्योंकि उनको भी जरूरत है कि वो भी ये जाने कि वो भी शक्ति का स्वरूप है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं वही बात कहूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों की सीमाएं, पुरुषों के अधिकार और पुरुषों की सीमाएं, सबका वर्णन है। जब तक उन धर्म ग्रंथों को खोल करके व्यक्ति नहीं देखेगा तब तक वह उच्छृंखल रहेगा, अपनी निज स्थिति को न जानते हुए। अरे भाई, जब तुमको पता है कि मुझे भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी हैं और आपको पता चल जाए तो आप उसका सदुपयोग करोगे, और जब तक आपको उन शक्तियों का पता ही नहीं है तब तक आपके पास ऊर्जा होने के बाद में भी आप उस ऊर्जा को नष्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। धर्म ग्रंथों की का आश्रय न लेने के कारण आजकल की स्त्रियां देवी का स्वरूप हैं, लेकिन वह झगड़ रही हैं। किस लिए झगड़ रहे? माने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, पट्टियां ले लेकर के हमको अधिकार दो, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। देखिए, ये भारतवर्ष है, जितने भी देश हैं बाकी के आप उन सबको देख लीजिए, वहाँ स्त्री को भोग की वस्तु माना जाता है, और भारतवर्ष ही एक ऐसा है जहाँ पर स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है। स्त्री मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा। कमाल की बात तो ये है कि हमारे यहाँ मांगलिक कार्य जितने होते हैं वहाँ पुरुषों की प्रधानता नहीं, वहाँ माताओं की प्रधानता है, स्त्रियों की प्रधानता है, मांगलिक कार्य उन्हीं के द्वारा होते हैं। हमारे यहाँ बंधन बार जो बांधने का क्रम है ना, वो स्त्रियों के, हमारी घर की बहन और बेटियों को बुलाया जाता है, उनका आदर होता है। सभी भगवान के नाम से पहले उनकी धर्म पत्नियों का नाम है। आप किसी का भी नाम देख लीजिए, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधेश्याम हो, सभी का नाम है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर स्त्री को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाए और वह वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ की लड़कियाँ तख्ती लेकर के निकल रही हैं, इसमें केवल उनका अज्ञान है, क्योंकि वह अपनी महिमा को नहीं समझ पा रही हैं। परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में इस बात को कहते थे कि आजकल जो स्त्रियां हैं ना, वह भोग्या बनने के लिए तो तैयार हैं पर माता बनने के लिए तैयार नहीं है। यदि वो माता के स्वरूप को समझ जाएं और माता बनने में प्रतिष्ठित हो जाएं तो हिम्मत है किसी की कि कोई उनको झुका सके? वो ऐसी हैं कि फिर तो माँ अनुसुईया की तरह बन जाएंगी, भगवान भी उनसे कहें तो उनको 6-6 महीने के बालक बना लेंगी। इतनी सामर्थ्य है स्त्रियों में, पर धर्म ग्रंथों का आश्रय न लेने के कारण उनको अपने निज अधिकारों का और अपनी निजता का, अपनी दिव्य शक्तियों का ज्ञान नहीं है, और इस कारण से अज्ञानता में वह बही जा रही हैं। और कोई उनको कह देता कि नहीं भाई, हम लोगों को तो संघर्ष करना है, हम पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से तो बहुत आगे हैं, कई गुना आगे हैं। और हमारे यहाँ तो एक लाइन में कहा जाता है, स्त्री का, पत्नी का जो धर्म है ना, एक लाइन में बिल्कुल, पत्नी वह जो पति को पतन से बचाए, पत्नी वह जो पति को पाप से बचाए, और पति वह है जो पत्नी को परमेश्वर में लगाए। बस इतना ही अगर किसी ने पालन कर लिया तो हम समझते हैं कि वो स्त्री का जीवन
सार्थक होगा, वह आदर्श बनेगी। हमारे यहाँ गार्गी, मैत्रेयी, कुंती, मंदालसा, इन सबका नाम लिया जाता है, इन्होंने आदर्श स्थापित किया। इनके चरित्रों को सभी स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, फिर तो सिंह वाहिनी हो जाएंगी। हिम्मत है किसी की कोई उनको आँख उठा करके देख सके, पर इन चरित्रों को वह पढ़े तो निश्चित रूप से कभी भी स्त्रियों को किसी भी प्रताड़ना का कारण नहीं बनना पड़ेगा, कोई प्रताड़ित नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। महाराज जी, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई कि जैसे आपने बोला कि ये चरित्र हमें पढ़ने चाहिए, उससे पहले भी आपने कहा था कि छोटी छोटी स्टोरीज हमें पढ़नी चाहिए, और अभी आपने ये कहा था कि डर, एक डर होगा मन में कि हमें ये सजा मिलेगी, ऐसा होगा। तो यहाँ मुझे नवरात्रों के बाद 10वें दिन जो दशहरे का पर्व मनाया जाता है, तो यहाँ मुझे वो वृत्तांत याद आ रहा है जिसमें आज भी रावण ने जैसे माता सीता का हरण किया था, तो आज भी हम रावण का जो पुतला है वो जलाते हैं, जो हमें यही याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई का जो प्रतीक है, जो जीत हुई, तो वो यही याद दिलाता है। तो यहाँ से मैं वही रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर हम पढ़ें उन चरित्रों को तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और रामचरित्र को पढ़ने के बाद में यही पता चलता है कि कितनी भी उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया, 14 वर्ष वनवास में रहे, पिता की बात का आदर किया, हनुमान जी से मैत्री करके, सुग्रीव से मैत्री करके, और फिर आगे तक वह जानकी जी की खोज में गए, जैसा जैसा एक कार्य अच्छे गृहस्थ को करना चाहिए वो सब उन्होंने किया, और अंत में बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई, इसको भी उन्होंने करके दिखाया। तो रामचरित्र को तो सबको पढ़ना चाहिए, समाज में संतुलन बनेगा और सबका जीवन आदर्श में होगा, मर्यादित होगा, नैतिक होगा। जी, पर महाराज जी एक प्रश्न यहाँ पे बहुत लोग भी पूछते हैं कि क्यों माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी जी, देखिए भगवान जिस समय इस धराधाम पर आते हैं तो वो नरलीला करते हैं, मनुष्य लीला करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि मानव लीला भगवान जो कर रहे हैं उससे लाखों करोड़ों की संख्या में जो मानव होंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी। स्त्री को फिर भी स्थिर रहना है, स्त्री त्याग, तपस्या, संयम, सदाचार की, त्याग की साक्षात मूर्ति है, तो उसका पूरा एक जो दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया वो माता जानकी ने किया। अब समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अब किसी स्त्री के साथ में ऐसी दुर्घटना कभी हो भी जाए तो उसको एकदम मिलता है कि देखो मैं तो कुछ भी नहीं, मुझसे तो अधिक माता जानकी को मिला, देखो ऐसा हुआ। कोई ना कोई अच्छाई इन सब चरित्रों के पीछे छिपी हुई है, हमको सकारात्मकता को स्वीकार करना है। कुछ लोग कहते हैं, बोले धोबी के कहने पर भगवान राम ने जानकी जी को निकाल दिया, घर से निकाल दिया, और कहाँ राजमहल में रहने वाली, अभी 14 वर्ष का वनवास भोग करके आई थी और फिर निकल गई, तो कितना कष्ट उन्होंने झेला, लोगों ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा, मूल में उनके पीछे कारण था। अगर जिस समय जानकी जी गर्भवती थी, अगर बच्चे होते और उनका लालन पालन राजमहल में होता तो वह रजोगुणी होते। आजकल व्यवस्थाओं में जिनका पालन होता है वो बहुत अधिक ज्ञानवान, बहुत अधिक ऊर्जावान नहीं होते, वो केवल विषयी हो जाते हैं। तो मेरे बालक विषयी न हो, महर्षि के आश्रम में उनका लालन पालन हो, वो संस्कारों से एकदम ओतप्रोत हो जाएं, उनका जीवन हमसे भी बहुत उत्कृष्ट बन जाए, ऊंचा बन जाए। भगवान राम ने ऐसा विचार किया, लीला का विस्तार करवा दिया। राम जी अगर खुद कहते कि आप वहाँ जा करके रहें तो समाज स्वीकार नहीं करता, जानकी जी वह नहीं रह पाती, लेकिन भगवान ने धोबी के माध्यम से ऐसी बात का कटाक्ष करवाया, और भगवान तो पत्ता पत्ता उनकी इच्छा के बिना कहाँ हिलता है, उन्हीं की इच्छा से सब काम होता है। धोबी से ऐसा कहलवाया, और धोबी ने जब वह बात कही तो उन्होंने तुरंत जानकी जी को, उनको उनको रखना ही था कि लव और कुश जब होंगे तो वो इतने होनहार हों कि वो हमसे भी बहुत ऊपर हों, और ऐसा ही हुआ। बाद में आप सब इतिहास को जानते ही हैं कि सारी सेना को बांध करके उन दो बच्चों ने रख लिया, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े अनुभव लिए हुए, पर उन सबको ये कैसे हुआ, ये एक बात ये भी प्रदर्शित करता है कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि वो सामान्य से बहुत ऊपर तक किसी को लेके जा सकती है। तो कोई ना कोई अच्छाई छिपी है, बुराई नहीं है, आत्म से जोड़ती है, हमें स्वयं से जोड़ती है। हाँ जी जी जी। तो महाराज जी, यहाँ ध्यान का भी मैं थोड़ा सा आपसे महत्व जानना चाहूंगी, गुरुकुल की शिक्षा की बात हो रही है तो हाँ। गुरुकुल में ध्यान ये सब भी सिखाते हैं, अष्टांग योग जो बोला जाता है, तो महाराज जी ये भी कितना जरूरी है, शिक्षा ले, संस्कार ले, साथ साथ हम इन चीजों में भी, इन चीजों को भी अपने जीवन में शामिल करें। जैसे माचिस की तीली में अग्नि छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती, पर जैसे रगड़ करो तो तुरंत पैदा हो जाती है,
ऐसे ही अनंत शक्तियाँ इस शरीर में छिपी हुई हैं, लेकिन वो बाहर कब निकलती हैं? जब उनको रगड़ से रगड़ा जाए। यानी कि हम लोग यदि अष्टांग योग, जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, ये सब कुछ आता है, यदि हम इनका पालन प्रक्रिया के अनुसार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वही सारी की सारी शक्तियाँ हमारी जागृत हो जाती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कितने शस्त्रार्थ चक्र हमारे भीतर विराजित हैं, वो सब खुल जाते हैं, फिर परम आनंद की ऐसी अनुभूति होती है, वो सुख दुख से परे होती है, बहुत ऊपर की अवस्था हो जाती है। लेकिन होगा कब? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम लोग प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अष्टांग योग इत्यादि की जो चीज़ें हैं, वो अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को, शक्तियों को प्रकट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। तो यदि हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जान करके और उनको प्रकट करके उनसे अद्भुत आनंद प्राप्त करना चाहें और समाज का हित करना चाहें, तो हमको अष्टांग योग इत्यादि की विद्या से गुजरना चाहिए, और सभी के लिए बहुत आवश्यक है। सभी जन जितने भी मेरी वाणी को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित ये जो मार्ग हैं, चाहे वो अष्टांग योग का मार्ग है, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट संकीर्तन की विधा है, चाहे चरक संहिता, चाहे भृगु संहिता, बहुत सारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनका आश्रय लेकर के हम लोग दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो हम लोगों को वह जागृत करना भी चाहिए, और अगर नहीं किया तो फिर बाद में तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, हम लोगों को फिर पछताना पड़ेगा। तो ये अष्टांग योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाराज जी, नवरात्रि का जो पावन पर्व मनाया जाता है, उसमें 9 दिनों में उपवास रखने का भी विशेष महत्व है। हम उपवास तो रखते हैं, लेकिन उपवास के पीछे का महत्व क्या है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि उपवास के पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। नवरात्रि में एक तो वह ऐसा समय होता है, साल में 2 बार नवरात्रि आती है, 9 दिन का समय ऐसा होता है जहाँ पर ऋतु का परिवर्तन होता है। अब जो नवरात्रि आ रही है, इसमें गर्मी विदा होगी, ठंड शुरू हो जाएगी। तो जब हमारे यहाँ चूँकि 6 ऋतुएँ हैं, भारत देश ऐसा उन्नत देश है जहाँ 6 ऋतुओं का आज भी दर्शन होता है, तो जब ऋतु का परिवर्तन होता है, तो उस समय कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टेमिना, और वो एक शब्द कहा जाता था ना कोरोना काल में कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वह तुरंत किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, इसलिए अन्न खाने पर कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रोक लगा दी जाती है कि भाई अन्न नहीं खाना इस समय, अन्न खाओगे तो कोई ना कोई विकार पैदा होगा, कोई ना कोई बीमारी लगेगी, और व्यक्ति 9 दिन तक उपवास रखता है। ये नवरात्रि का विधान है। अब नवरात्रि में व्रत रखने का क्या एक कारण है, एक बात तो ये, दूसरा मैं आपको निवेदन करूँ, बीमारी से तो बचना। जिस समय हम लोग भूखे रहते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक कारण है। कुछ लोग कहते हैं व्रत करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कोई आपको व्रत करने के लिए कहा है, कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है जन्माष्टमी में और तुम भूखे रह रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं साइंटिफिक कारण बता देता हूं आपको। सभी जो दर्शक जन मेरी वाणी को सुन रहे हैं, वो आप लोग भी समझ रहे हैं कि यह प्रश्न करना बड़ा मूर्खतापूर्ण संदेश देने वाला होता है कि हम लोग जब भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं तो उसमें हम लोग व्रत क्यों करें, हमको तो खूब खाना चाहिए। जिस दिन आप नहीं खाते, सुबह से शाम तक आप भूखे रहते हैं, तो आपकी सारी इंद्रियों को पोषण नहीं मिलता, तो वह एकदम शिथिल हो जाती हैं, और जब शिथिल हो जाती हैं तो कोई विकार आता ही नहीं। जब विकार नहीं आता तो दैवीय अनुभूतियाँ होने लगती हैं शरीर में। मेरी बात समझ रहे होंगे आप सब लोग, दैवीय अनुभूतियाँ होती हैं। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, तो दैवीय ऊर्जा जो सारे विश्व में एकदम फैल जाती है, तो उसका अवशोषण हमारा शरीर भी करे, इसलिए हम लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि उस समय दैवीय ऊर्जा को अवशोषित करने का करने के योग्य हमारा शरीर बन जाता है, और हमारे सारे विकारों से रहित हो जाता है। इसलिए हम लोगों को व्रत रखना चाहिए। अब बार बार खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, दैवीय ऊर्जा तो आएगी नहीं, नींद आएगी, बढ़िया से खा पी करके सोना चाहते हैं, ये व्रत नहीं है। ऐसे ही नवरात्रि में 9 दिन जो भूखा रह करके व्रत करता है, तो एक तो उसको आध्यात्मिक लाभ होता है कि वो दैवीय ऊर्जा उसके पास तक पहुँचती है, अवशोषित करता है शरीर, वो दैवीय शक्तियों का मालिक बन जाता है। जो अष्ट सिद्धि 9 निधियों का जो वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है, ऐसे समय में ही आकर के शरीर में बैठ जाती हैं, और व्यक्ति जो चाहता है वो प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। जो व्रत उपवास नहीं करता, वो प्रकृति के अधीन होता है,
और जो व्रत उपवास करता है प्रकृति फिर उसके अधीन हो जाती है। तो ऐसे ही नवरात्रों में जो व्रत करता है उसको देवीय ऊर्जा अच्छे से प्राप्त होती है। एक बात और, सारे शरीर के विकार भी शांत हो जाते हैं। जैसे जब हम लोग 2400 घंटे खाते हैं तो कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई जर्म्स ऐसे पेट में जम जाते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, और जब हम लोग नहीं खाते तो भीतर बैठे हुए जो रोगाणु हैं जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं उन्हीं को आंतें पचाना शुरू कर देती हैं और मल के रास्ते से बाहर निकाल देती हैं। तो व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता से पूर्ण रूप से भर जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। किसी प्रकार की कैंसर, किसी प्रकार का बहुत सारी बीमारियाँ वो सब पर जीत बोल लेता है। इसलिए भी व्रत करना चाहिए। तो नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए व्रत करना परम आवश्यक है। महाराज जी, माता पे इतनी सारी बातें अभी तक आपने बताई कि व्रत का क्या महत्व है, कन्या पूजन का क्या महत्व है, लेकिन साथ ही महाराज जी ये जानना चाहूंगी कि कैसे इस नवरात्रि के दौरान हम अपनी ऊर्जा को और कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, हम लोगों को बहुत सारे संतों के बताए हुए मार्ग ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं, संतों से भी सुनने को मिलते हैं। हम लोगों को यदि अपनी ऊर्जा बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? वर्तमान में कलयुग है, कलयुग में लोगों के पास समय की का अभाव रहता है, आध्यात्मिक के प्रति रुचि कम रहती है, जबकि स्पिरिचुअलिटी इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का सार है। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो सुख के लिए करता है। सुख में और हित में अंतर है, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, हित करना और किसी को सुख देना दोनों में अंतर है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि किसी को सुख देने की अपेक्षा आप उसका हित करें। और वो हित कैसे होगा? अब जैसे नवरात्रि अगर आ रही है तो नवरात्रि के समय में आप सबको व्रत अनुष्ठान करने चाहिए, व्रत का पालन, अनुष्ठान का पालन। अब जैसे अनुष्ठान है, मैं कई बार अपने जीवन में मौन रहा हूँ। मुझे मेरे गुरुजनों ने कहा कि भाई 13 गुना अधिक ऊर्जा का संचार शरीर में मौन रहने से होता है। जितना आप बोल करके ऊर्जा को नष्ट करते हैं तो वो मौन रहने से ऊर्जा और अधिक आपके अंदर विराजित रहती है। तो मैंने कई बार नवरात्रि में 9 दिन का मौन किया। और मौन का अर्थ क्या है? असल में वाणी का मौन नहीं होता, मन का मौन होता है। मन जो बार बार चारों ओर भागता है उसको चारों तरफ से हटा करके एक जगह स्थिर करना, ये मौन होता है। वाणी से चुप रहना, ये नहीं मन वाणी से चुप रहो मन चारों ओर भागे, ये ठीक नहीं। मन को स्थिर करना, तो एकांतवास करें 9 दिन। 9 दिन में जो अपने गुरुजनों ने मंत्र इत्यादि दिए हैं उनका जप करें। संख्या भी निश्चित कर ले कि भाई 9 दिन में मुझे 125,000 मंत्र पूरे करने हैं। जो अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हैं ना, ये सब अपने आप आकर के खड़ी हो जाएंगी। सारे काम उस व्यक्ति के सहज में होने लगेंगे। आजकल लोग छोटी छोटी परेशानियों में विचलित होकर के भागने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऊर्जा नहीं है। तो वो साधना अगर करेंगे, 125,000 मंत्रों का जप करें, जब करके उनमें ऊर्जा अपने आप आ जाएगी, भागना नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी समस्याओं में फंसना नहीं पड़ेगा, सारी देवी देवता उसके अनुकूल हो जाएंगे। तो मौन रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और कुछ ऐसे देवी के मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, गुरुजनों की आज्ञा से, स्वतंत्र नहीं, अपने आप नहीं करना, उनकी आज्ञा से करना है। अरे भाई देखो कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने नब्ज देखा और कहा देखो तुमको ये रोग है, गोलियां दे रहा हूँ, एक एक गोली रोज खाना तो ठीक हो जाओगे 15 दिन में। अब वो व्यक्ति कहे डॉक्टर साहब मैं 15 गोलियां आज ही खाना चाहता हूँ, आज ठीक हो जाऊँगा ना, तो डॉक्टर कहता है ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, सावधान रहे। इसलिए एक एक गोली की तेरी क्षमता है बचाने की, उतना ही खा, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति जब उतना खाता है 15 दिन में ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से गुरुजनों की आवश्यकता है। यदि हम बीज मंत्रों का प्रयोग, किसी साधना का प्रयोग कर रहे हैं और गुरुजनों की आज्ञा से कर रहे हैं ना, तो हमारी क्षमता के अनुसार हमको इशारा कर देते हैं कि भाई हमको इस साधना से इतने समय में लाभ होगा। तो उनके अनुसार गुरुजनों की आज्ञा से हम लोगों को साधना करनी चाहिए। और अल्पाहार लेना चाहिए, बहुत कम आहार लो, सात्विकी आहार लो। ये नहीं कि व्रत के दिन और दिनों की अपेक्षा बड़ा चटपटा और बड़ा हम लोग ऑयली खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि देवी तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न जल्दी होने वाली हैं वो, क्योंकि करुणा की, ममता की, वात्सल्य की साक्षात मूर्ति हैं और किसी को रोता हुआ देखती नहीं है। एक बार कोई आंखों में आंसू डाल करके, हाथ जोड़ के उनके आगे प्रार्थना स्वरूप अपनी बात को व्यक्त करे तो वो दुलार करते हुए उसकी वो मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो लेकिन साधना जरूर करें,
और मैंने पुराने प्रश्नों में भी उत्तर दिया था कि बहुत सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में छिपी हुई हैं। इन 9 दिनों में नवरात्रि के समय में यदि हम साधना करते हैं, जमीन पर सोते हैं, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलते, मौन रहते हैं, तो अपने आप वो उस ऊर्जा का संचार होता है और अंदर छिपी हुई शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। और जब वह प्रकट होती हैं तो उस जीव का तो लाभ होता ही है, वो जहाँ खड़ा हो जाता है उसके दर्शन से औरों को लाभ होने लगता है। तो सभी को ऐसी साधना इन नवरात्रि में करनी चाहिए। महाराज जी, अभी भी बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन अभी भी समय जो है हमें अनुमति नहीं दे रहा है अभी, तो मैं अगले कार्यक्रम में आपसे और प्रश्नों पर चर्चा करूंगी, लेकिन अभी के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद बोले। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्रद्धे श्री नवनीत प्रिय दास जी महाराज से। हमने उनसे कई सारे विषयों पर चर्चा की। हमने जाना कि हमें बच्चों को संस्कार कब से देने चाहिए। अगर हम बचपन से ही बीज बो देंगे इन संस्कारों का, तो बड़े होकर कितनी सारी चीज़ों में नियंत्रण हो जाएगा, यानी कि क्रोध, लोभ, ये जो अपराध है ये सब रुक जाएंगे। साथ ही हमने और भी विषयों पर चर्चा की। हमने मंदिर में जो तिलक लगता है उसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व जाना, मंदिर में हम क्यों जाते हैं इसके पीछे का महत्व जाना, बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की। तो हम आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और साथ ही अपने बच्चों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदली।